गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 9 करेंगे। पिछले सप्ताह हमने फ्राइडे और सैटरडे के दिन, दोनों ही दिन हमने 1 to 8 लेसन के क्वेश्चन आंसर और बुक रीडिंग के लिए मैंने आपको कहा था, कॉपी कंप्लीट करने के लिए कहा था। आज पार्ट 9 के अंदर डीएवी गान के मैंने क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए वीडियो से तैयार किए हैं। तो पार्ट 9 के अंदर डीएवी गान, ये जो लेसन है 2 मार्क्स का, आपको 100% श्योर आएगा बेटा, 2 या 3 मार्क्स का। इसका पहला क्वेश्चन है, गीत के प्रथम पद में डीएवी के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। डीएवी गान के प्रथम पद के अंदर अविरल, सदा चलने वाला, निर्मल जो साफ है, सलिल सीतार, ज्ञान प्रदायिनी और ज्योतिर्मय जैसे विशेषणों का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, जो दूसरा क्वेश्चन है इसका, गायक चारों दिशाओं में किस उद्घोष की कामना करना चाहता है, कामना करता है। अब जैसे डीएवी के अंदर पहले पद में भी लिखा हुआ है, अविरल निर्मल सलिल सदैव ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो चहुं दिशि उद्घोष अभय डीएवी की जय जय। गायक कहते हैं कि चारों दिशाओं के अंदर डीएवी की जय जय हो जाए। तो प्रश्न उत्तर के साथ मैं आपको जो डीएवी गान की पोएम है छोटी सी, उसको भी मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन इसके अंदर है कि डीएवी गीत के अंदर, इस गीत के अंदर डीएवी की धारा को परम पुनीता क्यों कहा गया है। प्यारे बच्चों, सेकंड पैराग्राफ का ये आंसर है, प्रबल प्रवाह मही नित नूतन जीवन दायिनी सदा सनातन वेद प्रणीता परम पुनीता यह धारा अक्षय डीएवी की जय जय। इसमें प्यारे बच्चों कहा गया है कि जो ये डीएवी की धारा है, जो डीएवी की एजुकेशन शिक्षा प्रणाली है, ये वेदों पे आधारित है और वेद ही हमारे पुण्य हैं, सबसे पुण्य हैं, मतलब कि सबसे पुराने हैं, और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ सब वेदों पर आधारित हैं और वेद भगवान के दिए हुए वरदान हैं। तो इस कारण से इसका आंसर बना कि वेद ज्ञान से और प्रोत होने के कारण डीएवी की धारा परम पुनीता है। पुनीता का अर्थ यहाँ पर बताया गया है पवित्र, परम पवित्र है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हम जाएं, डीएवी के साथ दयानंद जी का और हंसराज जी का क्या संबंध है। और थर्ड पैराग्राफ के अंदर आया है, दयानंद से प्रेम भक्ति ले, हंसराज से त्याग शक्ति ले, धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का हो दिनमान उदय डीएवी की जय जय। इसके अंदर कहा गया है कि दयानंद से हम प्रेम भक्ति का और हंसराज जी से हम त्याग शक्ति का संबंध है, क्योंकि दयानंद ने प्रेम भक्ति के मार्ग को अपनाया, प्रेम भक्ति का मार्ग सिखलाया और हंसराज जी ने अपना तन मन धन डीएवी के लिए अपना कुर्बान कर दिया। इसीलिए इसका प्यारे बच्चों आंसर बना, डीएवी के साथ महर्षि दयानंद का प्रेम भक्ति का और तथा महात्मा हंसराज जी से त्याग शक्ति का संबंध है। गायक कैसे दिनमान का उदय चाहता है, इसी के अंदर बेटा आगे कहा गया है, धर्म भक्ति का और राष्ट्र शक्ति का हो दिनमान उदय। धर्म भक्ति का और राष्ट्र शक्ति का कहने का अर्थ यह है कि हर देशवासी के अंदर राष्ट्र शक्ति और राष्ट्र भक्ति का भाव उत्पन्न हो जाए, यही इसका प्यारे बच्चों आंसर है। राष्ट्र शक्ति का और भक्ति का हर एक के अंदर भाव उत्पन्न हो जाए।
यही बेटा इसके अंदर पांच क्वेश्चन थे। उसके बाद कहा गया सुख समृद्धि इसकी लहरें, प्रेम शांति इसके तट ठहरे, सघन शांति में प्रबल कांति में लिए अटल निश्चय, डीएवी की जय जय। कहने का अर्थ है प्यारे बच्चों, सुख समृद्धि जो है डीएवी की लहरें हैं और प्रेम शांति यहाँ पर हर पल हर क्षण नजर आती है, सघन शांति में प्रबल कांति में की ओजस्वी है, तेज है। डीएवी के बच्चों के अंदर तेज होता है, संस्कार होते हैं और इन संस्कारों का अटल निश्चय है, इसीलिए डीएवी की जय जय है। हमें हर बच्चों के अंदर अच्छाई का भाव उत्पन्न करना है। प्यारे बच्चों, छोटी सी कविता है पार्ट नंबर 9 और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मैंने आपको बताया। एक बार फिर मैं वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन को आपको डिफाइन कर देता हूँ। और पहला क्वेश्चन है, गीत के प्रथम पद से डीएवी के किन विशेषणों का प्रयोग किया? अविरल, निर्मल, सलिल, ज्ञान प्रदायिनी और ज्योतिर्मय। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, गायक चारों दिशाओं में किस उद्घोष की कामना करता है? चारों दिशाओं में डीएवी की जय जय हो इस उद्घोष की कामना करता है। इस गीत में डीएवी की धारा को परम पुनीता क्यों कहा गया है? वेद ज्ञान से ओतप्रोत होने के कारण इसको परम पुनीता कहा गया है। डीएवी के साथ दयानंद जी और हंसराज जी का क्या संबंध है? डीएवी के साथ महर्षि दयानंद का प्रेम भक्ति का तथा महात्मा हंसराज जी से त्याग शक्ति का संबंध है। गायक कैसे दिनमान का उदय चाहता है? राज शक्ति का और भक्ति का हर एक के अंदर भाव उत्पन्न हो जाए, गायक ऐसे दिनमान का उदय चाहता है। प्यारे बच्चों, कंप्लीट वीडियो, क्वेश्चन आंसर और डीएवी गान की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन दिस वीडियो। दिस वीडियो ओनली फॉर 7 मिनट्स। एवरीबॉडी सी दिस वीडियो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।